सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां करीब 27 महीने बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आए और रामपुर में अपने घर पहुंचे। शुक्रवार सुबह 8 बजे जेल से बाहर आए आजम खां को उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब ने रिसीव किया। इस दौरान उनके साथ शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। आजम खां के जेल से बाहर आते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे आजम खां के अगले कदम को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इस बीच रविवार शाम को अखिलेश यादव की ओर से बुलाई गई सपा विधायक दल की बैठक से आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दूर रहे। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र से पहले सपा विधायक दल की बैठक रविवार को लखनऊ में बुलाई थी। विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ पार्टी का रुख तय करने के लिए रविवार को दोपहर में यह मीटिंग हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया गया था। लखनऊ में आयोजित इस बैठक में सपा विधायक आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम शामिल नहीं हुए। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी इससे दूर रहे। आजम खां और अब्दुल्ला के सपा विधायकों की बैठक से दूरी बनाए रखने को लेकर राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। इसको राजनीतिक गलियारों में अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। सपा से जुड़े नेता इसको लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं। हालांकि आजम खां ने किसी भी प्रकार की नाराजगी से इनकार किया है। मीडिया के सवाल पर आजम खां ने कहा कि आपसे ही हमें नाराजगी की सूचना मिल रही है, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी बात यह है कि नाराज होने के लिए कोई आधार होनी चाहिए, मैं खुद ही निराधार हूँ तो आधार कहाँ से आएगा, मेरा अपना ही कौन सा आधार है, एक गरीब आदमी गली में रहने वाला। जेल में और रिहाई के बाद उनसे मिलने वाले और ना मिलने वालों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो आए उनका भी शुक्रिया, जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया। उन्होंने कहा कि मुझे जो प्रोटेक्शन मिला वो न्यायपालिका से मिला है, किसी और से नहीं मिला। गौरतलब है कि जब आजम खां जेल से रिहा हुए थे तो उन्हें लेने के लिए शिवपाल सिंह यादव जेल पहुंचे थे। इसके साथ ही आजम खां के दोनों बेटे भी उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सपा के दूसरे बड़े नेता इस दौरान मौजूद नहीं रहे। सपा का कोई बड़ा नेता उन्हें लेने नहीं पहुंचा, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आजम की रिहाई के वक्त सीतापुर जेल के बाहर शिवपाल की मौजूदगी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव के खुद ना जाने या किसी प्रतिनिधि को वहां ना भेजने के कई राजनीतिक संदेश निकाले जा रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लंबे समय से जेल में बंद आजम से मिलने अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, जबकि शिवपाल यादव, प्रमोद कृष्णम जैसे कई नेता ने जेल में जाकर आजम से मुलाकात की थी। बता दें कि आजम खां 27 महीने से जेल में बंद थे और शुक्रवार को जेल से रिहा हुए हैं। video-amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।